झारखंड पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा के कई सांसदों, विधायकों, केंद्रीय मंत्री सहित कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन सभी पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए भड़काऊ भाषण देने और हाथ में पत्थर लेकर मार्च करने का आरोप है। झारखंड भाजपा ने शुक्रवार को राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक विरोध रैली की थी। हालांकि पुलिस ने विरोध प्रदर्शन स्थल रांची के मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी और धारा 144 का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को CM आवास तक मार्च करने की अनुमति नहीं दी। इस पर हंगामा मच गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और बदले में पुलिस ने पानी की बौछार की, आंसू गैस छोड़ी। कई पुलिस वाले पथराव में घायल हो गए। रांची में कार्यकारी मजिस्ट्रेट संजय कुमार के बयान पर कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। इसमें संजय सेठ, भाजपा के राज्य प्रमुख बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक नीलकंठ मुंडा सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। FIR में कहा गया है कि उन्होंने कई बैरिकेड्स के बावजूद मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा हुई भीड़ को CM के घर तक मार्च करने के लिए उकसाया था। पुलिस का कहना है कि सारे नेता बारी बारी से इस कार्यक्रम में शामिल युवाओं को भड़काते हुए भाषण दे रहे थे कि यह आक्रोश रैली का कार्यक्रम है, आज किसी भी हालत में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना है। पुलिस ने कहा कि भाजपा नेताओं के बयानों से युवा नाराज हो गए और लगभग 10,000 की तादाद में प्रदर्शनकारी पुलिस चौकी गेट की ओर बढ़े और ड्रॉप गेट तोड़ दिया। भीड़ को लाउडस्पीकर के जरिए कई बार रोकने के लिए कहा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि उस दौरान मंच से अमर बाउरी एवं भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ने एवं कटीले तार को काटने के लिए बार बार भाषण दिए जा रहे थे। भीड़ ने आगे बढ़ने के लिए पथराव किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस बल द्वारा पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। पानी की बौछार के इस्तेमाल के बाद भी लोगों ने फिर से पथराव किया और वायर कटर से कटीले तारों को काटकर बैरिकेडिंग की दो परतें तोड़ दीं। पुलिस ने जब आंसू गैस का इस्तेमाल किया, यह भी देखा गया कि भाजपा कार्यकर्ता जेब से पत्थर निकालकर हमला कर रहे थे। झारखंड में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है। भाजपा सत्ता में वापसी करना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन के एक मामले में जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया था। रांची हाईकोर्ट ने जमीन के मामले में ED को झूठा केस दर्ज करने के लिए कड़ी फटकार लगाई थी। हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर और फिर CM बन गए। इस पर अब चंपाई सोरेन नाराज हैं और असंतुष्ट गतिविधियां चला रहे हैं। भाजपा पर चंपाई सोरेन को इस्तेमाल करने का आरोप है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में सियासी घटनाक्रम तेज हो चला है। मोंटू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।